नमस्कार आदा आपते सपनों सत श्री अकाल। मैं हूं अर्जुन प्रसाद और आप आ गए हमारे न्यू वीडियो पे। न्यू वीडियो के बारे में बात करने से पहले प्लीज एक बार पुराने वीडियो की स्टैट्स चेक करते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि पता ना ज्यादा है भैया 500 व्यूज आ गए, बताओ 45 प्लस सब्सक्राइबर। भाई आप लोग ऐसे प्यार देते रहोगे ना, पूरी जी जान लगा दूंगा वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे चैनल को और बिना देरी किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू व्लॉग। भाई लेट तो बहुत हो चुका है लेकिन च्युइंगम लिए बिना अपन जाएंगे कहाँ। After a hectic day, मैं आ चुका हूँ घर। अब मैं रेडी होके निकलूंगा जिम के लिए। See you guys at the gym. चुके हम कॉलेज से और अब हम बढ़ेंगे वो 5 एक्सरसाइजेस पे जो मैं अपनी बेली फैट कम करने के लिए करता हूँ। तो काफी सिंपल 5 एक्सरसाइजेज है, बस आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि द रेस्ट पीरियड शुड बी वेरी मिनिमल और उसका भी चिंता आपको नहीं करने की दरकार है। रेस्ट पीरियड हमारे वीडियो के नीचे लिखा रहेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। पहली एब्स की एक्सरसाइज जो हम लगाने जा रहे हैं वो है लेग रेजेस। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने हाथ अपने कमर पे रखें जैसे मैंने रखा है। लेग्स को स्ट्रेट रखें ताकि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्शन आपके लोअर एब्स से हो। मेक श्योर यू टारगेट द लोअर एब्स व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। 20 रेप्स के 4 सेट लगाएं और रेस्ट पीरियड मिनिमम रखें फॉर फास्ट एंड बेटर रिजल्ट्स। कमिंग टू अ सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ नी टक और नी रेजेस। जैसे हमने पहले बोला, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अपने हाथ को अपने कमर पे रख सकते हैं, इससे आपको बैलेंस भी मिलेगा। योर शोल्डर ब्लेड शुड बी बैक। टू मेक इट अ चैलेंजिंग वर्कआउट आप अपने हाथ को हटा भी सकते हैं। 20 रेप्स के 4 सेट लगाएं एंड रेस्ट पीरियड को मिनिमम रखें फॉर फास्ट एंड बेटर रिजल्ट्स। अब हम आते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पे जिसका नाम है बटरफ्लाई क्रंचेस। ये एक्सरसाइज हमारे पूरे एब्डोमेन को कवर करता है जिसमें मिडल अपर एंड लोअर एब्स टारगेट में रहते हैं। बिगनर्स इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रेपिटेशन करके 3 सेट लगा सकते हैं एंड जो वर्कआउट बहुत पहले से कर रहे हैं वो इसके 20 रेप्स के 4 सेट करके लगाएं। रेस्ट पीरियड को मिनिमम रखें फॉर बेस्ट एंड फास्ट रिजल्ट्स। जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है वो है रीच थ्रू और कोई लोग इसे नी टच भी कहते हैं। इसमें हमें अपर एब्स पे फोकस करना है। एब्स जो चेस्ट के बिल्कुल नीचे होता है हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मिनिमम 20 रेप्स के 4 सेट लगाएं और रेस्ट पीरियड को मिनिमम रखें फॉर बेस्ट एंड फास्ट रिजल्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ एक्सरसाइज पे जिसका नाम है सिजर्स। ये एक्सरसाइज आपको अपने ऑब्लिक या लव हैंडल्स और लोअर एब्स पे फोकस करवाता है। ये एक्सरसाइज आपको वी शेप लाने में बहुत हेल्प करेगा। इसके आपको 20 रेप्स लगाने हैं 4 सेट्स के और रेस्ट पीरियड को मिनिमम से मिनिमम रखना है फॉर फास्ट एंड बेस्ट रिजल्ट्स। लास्ट एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है प्लैंक। ये सबसे ज़्यादा मस्ट एक्सरसाइज है जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप फिटनेस में हो तो आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिगनर्स इसे 40 सेकंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी टाइम इंक्रीज करने की कोशिश करें। रेस्ट पीरियड को मिनिमम से मिनिमम रखें फॉर बेस्ट एंड फास्ट रिजल्ट्स। नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर एक्सरसाइजेस, मेक श्योर आप कम से कम 5 मिनट ट्रेडमिल करें। ये कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल पैकेज। गाइस
guys, we are done with the workout. Hope share you like and share the video. Also subscribe to my channel right here. Thank you so much.